कट होने का मकसद जो है कोई तसर नहीं है, हमारा मकसद जो है वो अपनी एक पहचान है, अपने वसाइल को इकट्ठा करके हम पूरे पाकिस्तान के बिला तमीज हर कास्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसका अगली सबूत हम भी देते हैं और मियां सही साहब और उनकी टीम ने सलाब जब आया तो उस वक्त ये करके दिखाया है। इसलिए किसी को इस बारे में किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ जिस कौम के पास मियां तलत महमूद जैसे सखी, मियां मोहम्मद सईद साहब जैसे दरवेश बेलौस आदमी, मियां अजहर साहब जैसे बेलौस आदमी और जनरल गुलाम मुस्तफा जैसे जर्री लोग मौजूद हों, उस कौम को अपने इन बुजुर्गों और दोस्तों पर फख्र करना चाहिए और अपनी आने वाली नस्लों को के लिए इन लोगों की जिंदगियां एक मशले राह हैं, वो गरीबों की मदद हो या मुल्क की खिदमत हो, हमें इसके लिए अपना एक किरदार अदा करना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खालिद रामे साहब भी मौजूद हैं, हमारे बुजुर्ग मियाँ सही साहब और सब दोस्त मौजूद हैं, मेरे कायद अपने चौधरी अब्दुल मजीद साहब भी मौजूद हैं। इनके बारे में मैं सिर्फ एक शेर में इनके बारे में कहता हूँ कि निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसूज, निगे बुलंद सुखन दिल नवाज जहाँ पुरसूज, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। हमें फख्र है, हमें खुशी है कि हमारी सरपरस्ती करने वाले चौधरी मजीद साहब में ये खूबियाँ मौजूद हैं। दोस्तों की कमियों को दूर करने के लिए हर एक के साथ रबते में रहते हैं। एक तजवीज़ पेश करना चाहता हूँ आज के इस हाउस के सामने, क्योंकि बड़ी ख्वाहिश है दोस्तों की कि हम लोग ठीक है, कोई किसी नाम से कर रहा है, कोई किसी नाम से कर रहा है, बेसिकली हमें अपने आने वाली नस्ल के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा। पहली बात यह है कि अराइन सोसाइटी इस्लामाबाद वाले भी मैरिज ब्यूरो चलाते हैं, अंजुमन अराइया पाकिस्तान तो हमारी मदर तंजीम है ये भी चलाते हैं, तंजीमें अराइया हमने भी किया है और भी दोस्त चलाते हैं, क्यों ना हम आपको आईटी एक्सपर्ट देते हैं, सब मिलकर एक वेबसाइट मैरिज ब्यूरो की बनाते हैं, ताकि किसी किस्म के भी अगर रिश्ते आए तो वो उसमें हर तरह से शेयर हो जाए, अपनी किरदार करने के बावजूद वो आपस में शेयर हो जाएं, बल्कि इंटरनेशनल भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। और इसी तरह से कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले में और जॉब के सिलसिले में भी हम एक वेबसाइट मुश्तरका तौर पे बना लेते हैं, जिसके लिंक सब तंजीमों के पास हों और जहां भी ऐसी चीज़ें आती हैं हम उनको वो सपोर्ट कर सकें। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मुझे अपने अराई होने पर फख्र है। 1989 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया तो उसका नाम था अराई कार्गो ट्रांसपोर्ट। इस हवाले से मुझे कुछ बिजनेस लूज करने पड़े, वो कहते हैं कि जी आप ये अराई ये किस चक्कर में पड़ गए हो, हमने कहा जी रोजी अल्लाह ताला की जात ने देनी है, जो नाम रख दिया सो रख दिया, अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, इज्जत के साथ चल रहे हैं और सब भाइयों को सब राइयों को मेरा और सिंध की तरफ से आए हुए सब दोस्तों की तरफ से सलाम।